तो झारखंड में सियासी रोमांच फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ के मेफेयर रिजॉर्ट में जमे यूपीए विधायक और कैबिनेट मंत्री शाम रांची वापस लौट आए हैं। रांची वापसी के बाद उन्हें अपने अपने घरों को जाने की परमिशन नहीं है। सभी मोरबादी के पास स्थित गेस्ट हाउस या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर एक साथ रुकेंगे रांची एयरपोर्ट पर। इसके लिए आईआरबी जवानों की विशेष तैनाती की गई थी। 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र तय है। राज्य सरकार इस सत्र में अपनी पूरी टीम के साथ शामिल होने के प्रयास में है। कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कुंगारी को छोड़कर पूरे दलबल के साथ सत्तारूढ़ महागठबंधन सदन में उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी पूरी कर चुका है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में यह तय हुआ था, यानी कि पहले यह तय हुआ था कि रायपुर से विधायक 5 सितंबर को ही रांची लौटेंगे। इस दिन राज्य सरकार सदन में विश्वास मत साबित करने को अपने विधायकों के साथ सदन में पूरी टीम के साथ दिखेगी। 5 तारीख से पहले तक झारखंड में विधायकों के रहने से संभावित तोड़फोड़ की आशंका से बचाव को लेकर यह पूरा प्लान जो है वो तय किया गया था, जिसके बाद रायपुर से देर शाम रांची लौटा है ये तमाम विधायक। तो झारखंड में जो सियासी रोमांच है वो अब भी जारी है। पिछले कुछ दिनों पहले ये जो तमाम यूपीए के विधायक है वो रायपुर चले गए थे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चले गए थे, जिसके बाद देर शाम ये रांची लौटा है। तो झारखंड में जो सियासी रोमांच है वो अब भी जारी है। एक एक करके तमाम विधायक बस में चढ़ते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे जितने माननीय मंत्री, माननीय विधायक आप रायपुर गए हैं, अभी माननीय विधायक माननीय उनके वेलकम टू झारखंड करने के लिए हम आए हुए हैं। कहाँ ठहराने का रास्ता है? अपने अपने घर में जाएंगे, रिसीव करने हैं तो ड्रॉप भी करेंगे। आप पता चल जाएगा राज्य से बाहर साबित कीजिएगा। हमारे सभी तब होती है, कोई नई सरकार बनती है तो फ्लोर टेस्ट होता है। सरकार तो ऑलरेडी बनी हुई है, गरीब की चुनी हुई सरकार है। मुंडा एयरपोर्ट है जहां पे सभी विधायक फ्लाइट से अभी उतरे और सीधे बस में सवार होकर के चले गए। आप कह सकते थे कि इसमें यूपीए के 32 विधायक यानी 29 विधायक और 2 मंत्री सवार थे। इनका फ्लाइट लगभग शाम को 4:10 में आना था, लेकिन बारिश के कारण इनका बस जो फ्लाइट था वो नहीं उतर पाया, जिसके कारण अभी सभी विधायक और मंत्री छत्तीसगढ़ से सीधे रांची एयरपोर्ट, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहुंचा। आप देख सकते हैं बारिश के कारण एक तरफ जहां झमाझम बारिश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ विधायकों ने इसी बारिश में अपने बस में सवार होकर के सीधे अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। हम कह सकते हैं कि कल से झारखंड का विशेष सत्र शुरू होना है और यही वजह है कि आज सभी यूपीए के सभी विधायक और मंत्री आज सीधे छत्तीसगढ़ से रांची पहुंचे थे। अपने सहयोगी मुशेश के साथ नौशाद, रफ्तार मीडिया, रांची।